केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़कों को नई पहचान दिलाई है। इसमें कोई शक नहीं है, तय वक्त में तेजी से सड़कों का जाल कैसे बिछता है, हर सवाल का जवाब है नितिन गडकरी के पास। लेकिन एक ऐसा हाईवे भी है जिसका काम 15 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ, नितिन गडकरी के पास इसका जवाब नहीं। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। मुंबई गोवा हाईवे पर गडकरी ने ऐसी बात क्यों कही, इसका जवाब खुद ये प्रोजेक्ट है जो कहानी बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। हाईवे की लंबाई 471 किलोमीटर है। पहले 2 लेन हुआ, बाद में 4 लेन कर दिया गया। पहले फेज में 84 किलोमीटर सड़क NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनानी थी, बाकी का काम महाराष्ट्र PWD के जिम्मे था। काम 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक काम शुरू ही नहीं हो पाया, जिस पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई। तब NHAI और PWD ने एफिडेविट दे दिया कि 2020 तक मुंबई गोवा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। 2020 भी गुजर गई, नई डेडलाइन है 2023। पहला जो फेज है वहाँ पे काम की बहुत तकलीफ है। आगे संगमेश्वर जो इलाका है, कांटे थे आरेवली से लेके कांटे तक, ये जो वाकन तक ये जो इलाका है रत्नागिरी जिले में, और परशुराम भूमि का भी जो इशू था वो भी अभी थोड़ा सा डिले काम चल रहा है। चिपलूर में फ्लाईओवर के काफी काम डिले है। आपको मुंबई गोवा हाईवे का हाल दिखा देते हैं। कार्य प्रगति पर है, कंक्रीट वाली सड़क तैयार हो रही है, लेकिन सिर्फ 1 लेन पर, दूसरी लेन पर गड्ढे बन चुके हैं। लोग इन्हीं को पार करते हुए गुजरते हैं, हिचकोले खाकर, जान जोखिम में डालकर। तभी तो इस हाईवे पर मौत का आंकड़ा 3000 के पार हो चुका है। मैंने RTI में मालूमात निकाला, तो RTI में मालूमात मुझे सामने आई 2021 में कि 2450 के ऊपर मौतें हुई थी, और अभी तो इतना खड्डे 2021 से लेके 23 में और बल्कि बढ़ गए। एक एक परिवार के 10-10 मेंबर जो है वो भी एक्सीडेंट में मर गए। अब तो 3000 के ऊपर क्रॉस किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए और 15 साल गुजर गए, इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ। इसीलिए राज ठाकरे को भी पूछना पड़ा कि 600 करोड़ में चंद्रयान मिशन सफल हो गया तो 15,000 करोड़ रुपए लगाकर महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट क्यों अधूरा है। गेल्या 17 वर्षांमध्ये 15,566 कोटी रुपये खर्च झाला याच्यावरती। 15,566 कोटी कशाला म्हणतात, आणि 650 कोटी रुपयामध्ये चंद्रयान गेलं। सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जब सैकड़ों रोड प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से पहले तैयार हो रहे हैं तो मुंबई गोवा हाईवे क्यों अटका हुआ है, इसका जवाब नितिन गडकरी के पास भी नहीं है।